सवाल नंबर एक, बनी हाशिम का बायकॉट तकरीबन कितने साल तक रहा? आपके ऑप्शंस है ए 1 साल, बी 8 साल, सी 5 साल, डी 3 साल। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है डी 3 साल। सवाल नंबर दो, हज़रत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? आपके ऑप्शंस है ए 55 साल, बी 50 साल, सी 45 साल या डी 40 साल। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है बी 50 साल। सवाल नंबर तीन, नबुवत के किस साल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो करीबी साथी और मददगार हज़रत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और अबू तालिब का इंतकाल हुआ? आपके ऑप्शंस है ए 10 नबवी, बी 5 नबवी, सी 13 नबवी या डी 8 नबवी। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ए 10 नबवी। सवाल नंबर चार, जिस साल हज़रत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और अबू तालिब का इंतकाल हुआ उस साल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है ए आमुल फील, बी आमुल फजूल, सी आमुल सऊबा, डी आमुल हुजन। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है डी आमुल हुजन। सवाल नंबर पाँच, ताइफ के सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? आपके ऑप्शंस है ए अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, बी जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, सी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, डी हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है बी जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर छः, ताइफ से वापसी पर मक्का में दाखिल होने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने अमान यानी प्रोटेक्शन दी थी? आपके ऑप्शंस है ए वलीद बिन मुगीरा, बी अबू सुफियान, सी मुतआम बिन आदी, डी उतबा बिन राबिया। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है सी मुतआम बिन आदि। सवाल नंबर सात, पांच फर्ज नमाजों के अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात कौन सा तोहफा मिला? आपके ऑप्शंस है ए हज और उमरा, बी सूरा बकरा की आखिरी दो आयतें, सी किबले की तब्दीली, डी इनमें से कोई नहीं। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है बी सूरा बकरा की आखिरी दो आयतें। सवाल नंबर आठ, मदीना का पुराना नाम क्या था? आपके ऑप्शंस है ए यसरिब, बी अबवा, सी तबूक, डी हज़र मौत। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ए यसरिब। सवाल नंबर नौ, बैत अल अकबा कब हुई? आपके ऑप्शंस है ए
एक हिजरी में, बी दो हिजरी में, सी छः हिजरी में, या डी हिजरत से पहले। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है डी हिजरत से पहले। सवाल नंबर 10। किन दो कबीलों में शदीद दुश्मनी थी मगर इस्लाम कबूल करने के बाद भाई भाई बन गए। आपके ऑप्शंस है ए कुरैश और गतफान, बी कुरैश और ओस, सी खजरज और ओस, डी खजरज और गतफान। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है सी खजरज और ओस।